इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के, उसके जो आवेदन है बंद हो चुके हैं, साइट पूरी तरीके से यहां पर चलना बंद हो चुकी है। लास्ट डेट आपकी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इस वीडियो के अंत तक आपको जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ टेट का जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है, 28 जुलाई 2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई है, तो इस डेट के पहले पहले आप सभी को जो फॉर्म है भर देना है। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी से पेट 2022 के अंतर्गत 5th नंबर का जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी कर दिया गया है, पूरी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा यूपी कांस्टेबल 52,699 पदों पर भर्ती, प्लस दरोगा के 2469 पदों पर भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिस है उसे भी यहां पर कल देर रात में जारी किया गया है। तो सब कुछ जानकारी आपको ऑफिशियल दी जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है, ये हमारा नया चैनल है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा। सारी ऑथेंटिक जानकारी जो भी होती है वो आपको इस चैनल पर बताई जाती है और साथ ही साथ उसका प्रूफ भी दिखाया जाता है। तो आप नए सब्सक्राइबर हैं अगर मेरे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और इस वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी को एक छोटी सी जानकारी मैं दे दूँ। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, खास करके प्राथमिक की, तो सभी नोट्स जो हैंड रिटन हैं वो हमारे पास तैयार हो चुके हैं टीम के द्वारा। आप इसको जो है इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके भी खरीद सकते हैं। 299 इसका प्राइस रखा गया है, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को, डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, जहाँ पर लिंक दिया गया है डायरेक्ट आप पेमेंट करिएगा। डायरेक्ट आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और उसको ज्वाइन करते ही आपको सभी नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे और आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। खास करके जो सिलेबस आपका जारी किया गया है उसमें SCRT की बुक्स आपको पढ़ना है, तो हम 1 से लेकर के 10th तक SCRT की सभी जो बुक्स हैं उसको हैंड रिटन फॉर्मेट में अच्छी तरीके से यहां पर तैयार करवा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं क्लास 1 से 10th तक आपको बिल्कुल मिलेगी, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th सबकी बुक्स, 9th, 10th सबकी मिलेगी। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर अगर आप पूरी बुक्स पढ़ेंगे तो कम से कम एक बुक पढ़ने में कम से कम एक दिन जाएगा, लेकिन जो मैंने नोट्स इस तरीके से प्रिपेयर करवाए हैं अगर आप इसको पढ़ लेते हैं मात्र, तो मुझे लगता है 5 घंटे के अंदर ये सभी नोट्स अच्छे तरीके से आप यहां पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा SCRT से तो आपका सिलेबस है ही आएगा, इसके अलावा आपको NCERT भी पढ़ना होगा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा डेटा भी आपको पढ़ना होगा, तो एक्स्ट्रा नोट्स भी हर सब्जेक्ट के अलग अलग यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आपके फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये हिंदी है, जितने भी आपके रीजनिंग है और इसके अलावा मैथमेटिक्स है, सब नोट्स यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से दिए गए हैं। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को, डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, या फिर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा पेट 2023 के भी नोट्स जो है बन चुके हैं, उनको भी आप खरीद सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती के इस वक्त आवेदन चल रहे हैं और इसमें हो क्या रहा है, जो साइट है वो यहाँ पर क्रैश हो चुकी है, साइट आपकी काम नहीं कर रही। आप जब bpsc.bis.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, इसके बाद आप सभी को पता है यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ वाला जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है, ओके पर आपको क्लिक करना है, तो आपके साइट यहाँ पर चलना बंद हो चुकी, साइट नहीं चल रही। और अभी आप सभी को पता है कि 5 दिन और फॉर्म भरा जाएगा, 12 तारीख इसकी जो है लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। अब ऐसे में क्या हो सकता है, साइट या तो बहुत जल्दी से ठीक हो, लेकिन या 2 दिन से साइट गड़बड़ कर रही है पिछले 2 दिनों से, और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करवा रहे थे, अब लास्ट में फॉर्म यहाँ पर भर रहे हैं, चाहे अदर स्टेट के हों चाहे बिहार के हों। तो ऐसे में आप सभी को करना क्या है, देखिए साइट तो चलेगी ही, लास्ट डेट हो सकता है बढ़ भी जाए अगर साइट आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान है। इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का देखिए ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं इन पर आप सभी लोग जितनी ज़्यादा संख्या में कॉल करेंगे, आप बताएँगे प्रॉब्लम की साइट नहीं चल रही, उतनी ही जल्दी ये साइट आपकी चल भी जाएगी, हो सकता है लास्ट डेट भी आपकी यहाँ पर बढ़ जाए, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर जो मेल आईडी दे रखी है इस पर आप मेल कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी दिखा सकते हैं साइट का लेकर के। तो पूरी जो इस तरीके से है, आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो साइट आपकी यहाँ पर चल भी जाएगी और फॉर्म आप लोग यहाँ पर भर भी पाएंगे। अब हमने इसके बारे में बात यहाँ पर कर लिया, अब यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी कांस्टेबल 52,000 पदों पर जो भर्ती आपकी चालू हो रही है उसके बारे में जो ऑफिशियल अपडेट आई। जैसा कि आप सभी को पता है कल जो यूपी ASI वाले अभ्यर्थी थे 1300 से अधिक, उनको ज्वाइनिंग यहां पर दी गई योगी आदित्यनाथ के द्वारा हाथों पर, और वहीं पर जो है अपडेट आई हुई है आप स्क्रीन पर देखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जो प्रचलित भर्तियाँ हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि 2469 पदों पर उप निरीक्षक यानी दरोगा की भर्ती की जाएगी, 52,699 पदों पर आरक्षी यानी कॉन्स्टेबल की भर्ती की जाएगी, 2430 पदों पर आपकी रेडियो वाली भर्ती चल रही है, 545 पदों पर लिपिक समग्र में भर्ती की जाएगी यानी ओ लेवल इसके लिए मांगा जाएगा, 927 पदों पर कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती यहां पर
शुरू की जाएगी और जेल वार्डर की 2833 पदों पर आपकी भर्ती शुरू की जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर अगर हम मोटा मोटा बात करें तो 62424 पदों पर भर्ती यहाँ पर पुलिस में की जाएगी। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं हमारे नोट से, हैंड रिटन नोट से, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को कमेंट को चेक करिएगा, वहाँ पर डायरेक्ट लिंक दिया गया है, डायरेक्ट आप क्लिक करिएगा और वहाँ से आप नोट्स अपने बाई कर सकते हैं और अच्छी तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। कम समय में आप अच्छी तरीके से तैयारी कर दो, एक सीट यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं यूपी SSSC के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है पेट 2022 के अंतर्गत, वो है लेखा परीक्षक का। 530 पदों पर जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है। आवेदन आपके 11 तारीख से यहाँ पर लिए जाएंगे। आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है 1 अगस्त 2023 यहाँ पर रखी गई है और इसके तुरंत बाद पेट 2023 वाला जो एडवर्टाइजमेंट है उसे भी यहाँ पर जारी किया जाना है और उसके नोट्स तैयार हो चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा जहाँ पर बाई करने का लिंक दिया गया है। यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। अगर आप इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो UP SSSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। कल जारी कर दिया गया था। यहाँ पर देखिए सारी जानकारी बताई गई है। 11 जुलाई से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आप जो है BCom हो प्लस आपके पास ओ लेवल हो या ओ लेवल के समकक्ष में जो सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके समकक्ष में कोई भी डिग्री हो, BCA वगैरह हो या फिर BSc IT हो तो यहाँ पर चल जाएगा। BCom प्लस ओ लेवल यहाँ पर चाहिए और साथ ही साथ पेट 2022 आपने यहाँ पर दे रखा हो। अब इसकी पेट 2022 की कट ऑफ क्या जाएगी, तो कोई कट ऑफ यहाँ पर नहीं जाएगी। बहुत कम संख्या में BCom प्लस ओ लेवल वाले अभ्यर्थी मिलेंगे और करीब यहाँ पर 15,000 के आसपास जो अभ्यर्थी होंगे वो शॉर्टलिस्ट यहाँ पर किए जाएंगे। तो सभी अभ्यर्थी जो पिट 2022 दे चुके होंगे BCom प्लस ओ लेवल वाले होंगे वो सभी यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो इस तरीके से पूरी जानकारी आपने यहाँ पर समझ ली। आगे बढ़ेंगे, अब बढ़ते हैं टेट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है। इसकी लास्ट 28 जुलाई 2023 रखी गई है। आप स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है 30 जून 2023 से इसका जो फॉर्म है भरा जा रहा है और 28 जुलाई 2023 इसकी लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें लास्ट डेट फीस सबमिट करने की 31 जुलाई 2023, और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है टेट का उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का यानी UTET यहाँ पर जारी किया गया है। अगर आप उत्तराखंड में प्राथमिक में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो उत्तराखंड का टेट है वो यहाँ पर देना होगा। चूँकि उत्तराखंड में CTET मान्य नहीं है, उत्तराखंड का जब तक आप UTET नहीं दे चुके होंगे तब तक आप वहाँ पर जो शिक्षक भर्ती आएगी उसके लिए पात्र बिल्कुल नहीं होंगे। और इस नोटिफिकेशन में भी सारी बातें यहाँ पर अच्छी तरीके से कही गई हैं। तो अगर आप DLED या फिर BEd या फिर BLED कर चुके हैं तो आप आराम से इसके लिए फॉर्म जो है ऑनलाइन तरीके से भर सकते हैं। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है जिस तरीके से अपने वहाँ UP में होता है उसी तरीके से रखा गया है और सिलेबस भी यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रखा गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सिलेबस वगैरह भी यहाँ पर देख सकते हैं और ये पूरा जो नोटिफिकेशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर अगर अप्लाई करेंगे तो भविष्य में जो भी भर्ती आएगी उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर आप टेट निकाल लेंगे तो बिल्कुल आप वहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अदर स्टेट के जो भी अभ्यर्थी होंगे या जनरल कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको 90 अंक वहाँ पर चाहिए ही चाहिए होगा, तभी आप UTET क्वालिफाई वहाँ पर होंगे। तो ये पूरी जानकारी आपने यहाँ पर समझ लिया। फॉर्म कैसे भरना है सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया है। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।